एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल दिस अग्रवाल तो मैं आप लेकर आई थी हमने वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर जिसमें हमने, का, हमने काफी सारे क्वेश्चन देख लिए अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन देखेंगे डू यू थिंक द टाइटल ऑफ स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स आंसर लिखेंगे क्या आप आ, इसका क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद देख लेते हैं जो कि होता है कि आपके विचार से इस कहानी का शीर्षक उपयुक्त लगता है क्या कि आप किसी अन्य शीर्षक या शीर्षकों के बारे में विचार कर सकते हैं तो यहाँ आंसर लिखेंगे डिसाइडली द टाइटल ऑफ स्टोरी इज मोस्ट सुबल जो टाइटल है इस स्टोरी का द बेस्ट क्रिसमस पिजन इन दी वर्ल्ड ये बहुत ही ज्यादा सुटेबल है फॉर द ओल्ड कॉनी नो अदर प्रेजेंट कुड हैव गिवन हर सच जॉय एज ए कमिंग होम ऑफ जॉय जिम जो कोनी है जो बूढ़ी कोनी है उनके लिए इसके अलावा कोई और गिफ्ट हो ही नहीं सकता जो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड है उसमें क्योंकि जो उसके हस्बैंड हैं वो अगर लौट कर आते हैं तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है हर प्रिजम्पन माइट बी रॉन्ग उसका जो प्रिजम्पन था वो रॉन्ग हो सकता था बट शी गॉट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ हर लाइफ उसने अपनी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस यानी सबसे बड़ी जो अपनी लाइफ की खुशी है वो पा ली थी सिंस दिस द अराउंड क्रिसमस और स्टोरी भी रिवॉल्व करती है किसके अराउंड क्रिसमस के अराउंड द अल्टरनेट टाइटल ऑफ द स्टोरी कोड भी जो अल्टरनेट टाइटल है फिर भी हम देख सकते हैं इस स्टोरी का वॉर एंड पीस और क्रिसमस गिफ्ट बट नाइदर कैन बी अ मैच टू द प्रजेंट टाइटल बट हम देख तो सकते हैं बट जो भी टाइटल हम सर्च कर रहे हैं या देख सकते हैं सोच करके वो जो इसका टाइटल है एक्चुअल टाइटल द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन वर्ल्ड को सूट नहीं कर रहा है ना मैच कर रहा है तो मेरे हिसाब से तो यही टाइटल इसके लिए बेस्ट है तो इस तरह से ये था इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीटली तो इसी तरह हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेट हैं वो भी देखेंगे और आगे बढ़ते हुए सभी चैप्टर के इसी तरह हम और भी क्वेश्चन देखेंगे तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद